बीएसएफ जवान के बाद अब सीआरपीएफ के एक जवान का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सीआरपीएफ के जवान ने सेना और सीआरपीएफ को दी जाने वाली सुविधाओं के अंतर को लेकर सवाल उठाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कार्रवाई करने की मांग की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान जीत सिंह का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें जवान ने कहा कि देश में ऐसी कोई ड्यूटी नहीं जिसे सीआरपीएफ नहीं करती हो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से लेकर संसद भवन, चुनाव, वीआईपी और वीवीआईपी सुरक्षा में सीआरपीएफ को लगाया जाता है। इसके बाद भी सीआरपीएफ को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो सेना को मिलती है। जवान ने कहा है कि सेना को चिकित्सा, कैंटीन और सफर में आरक्षण जैसी सुविधा मिलती है। सेना निवृत्ति के बाद सेना के जवानों को अन्य संस्थानों में प्राथमिकता के आधार पर काम मिल जाता है, जबकि सीआरपीएफ के जवान को ये सुविधाएं नहीं मिलती है, जिसे लेकर जवान ने प्रधानमंत्री से इस अंतर को खत्म करने की मांग की है। वहीं बताया जा रहा है कि जीत सिंह गरीब किसान का बेटा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में वह 2012 में मणिपुर से भर्ती हुआ था। वर्तमान में उसकी तैनाती माउंट आबू में है। जीत सिंह की मां कमलेश देवी ने बताया कि वह जब भी छुट्टी लेकर घर आता है तो बीमार पड़ जाता है। वह बताता है कि सीआरपीएफ में ट्रेन में सफर के लिए किसी प्रकार का कोटा नहीं मिलता। तो अब सीआरपीएफ जवान ने वीडियो जारी कर सुविधाओं को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया है। हालांकि गृह मंत्रालय ने वीडियो की सत्यता को जानने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।